हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। मैं आज की अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती की है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथियों, आज किन्हीं कारणों से आपको अपडेट देर से मिल पा रही है, लेकिन अपडेट यह है कि आज इसकी सुनवाई एक बार पहले 10 मिनट हुई, उसके फिर 12-1 बजे के बाद फिर से दोबारा सुनवाई हुई। सुनवाई काफ़ी हुई, काफ़ी बहस हुई, लेकिन जहाँ तक पता चल रहा है उसमें जज साहब इसी बात पर टिके हुए हैं कि जो पुरानी कट ऑफ थी 40-45 वही लगाने पर वो लोग टिके हुए हैं। तो इस पर सुनवाई काफ़ी देर हुई, लेकिन जहाँ तक ये पता चल रहा है कि जो अपडेट हुई है, अपडेट साथियों यह हुई है कि हाई कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया है कि 29 तारीख को अगली सुनवाई है, 29 जनवरी को अगली सुनवाई है, और अगली सुनवाई तक यथास्थिति रहेगी। मतलब कि स्टे जो लगा हुआ है भर्ती पर वह 29 जनवरी तक लगातार लगा रहेगा, और तब तक जो 22 जनवरी को रिजल्ट घोषित होना था अब वह रिजल्ट घोषित नहीं होगा। तो साथियों, जो 22 तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ ना था वो घोषित नहीं होगा, अब 29 जनवरी को आगे सुनवाई होगी। और जज महोदय द्वारा यह तक कहा गया है कि वह जो 29 तारीख को डेट लगी है उन्होंने यह तक कहा है कि हम इसको इस दिन फाइनल कर देंगे। तो अगर 29 तारीख को फाइनल हो जाता है तो साथियों जैसा जो ऑर्डर होगा उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई होगी। पहले रोहतक कुंजी यानी संशोधित वो आएगी, उसके बाद रिजल्ट घोषित होगा, फिर आगे का जो भी प्रोसेस है भर्ती का वो होगा अगर 29 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है तो साथियों भर्ती में अभी काफ़ी देर हो सकती है। तो साथियों, ये थी लखनऊ हाई कोर्ट की अपडेट, और लग रहा है कि कट ऑफ कम हो सकती है। तो साथियों, ये अपडेट थी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। और इसी तरह की अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।